गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बीएल अग्रवाल। आज आपको इस लेक्चर में फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का एक चैप्टर फंड फ्लो स्टेटमेंट, टॉपिक फंड फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेशन करना, प्रॉब्लम विद सॉल्यूशन आपको समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको जरूर से जरूर समझ में आएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। बैलेंस शीट्स का एब्स्ट्रैक्ट है घोष एंड कंपनी का। यहाँ देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ये ओपनिंग बैलेंस है, ये क्लोजिंग बैलेंस है। तो 60,000 से 75 हो गया। तो करेंट ईयर का प्रॉफिट अगर बात करें तो 15,000। ठीक है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग इज करेंट ईयर्स प्रॉफिट। एडिशनल इंफॉर्मेशन में डेप्रिसिएशन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, प्लस किया जाएगा। ट्रांसफर टू जनरल लेजर भी प्लस करेंगे। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटेन ऑफ ये भी प्लस होगा। इंट्रीम डिविडेंड भी प्लस होगा। ये सब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये अप्रोप्रिएशन आइटम है। अच्छा, इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम है, माइनस होगा। यहाँ देखिए बुक वैल्यू 6,000 था, बेचा 1,500 में, तो यहाँ प्रॉफिट हुआ आपका, सॉरी बेचा 7,500 में, प्रॉफिट हुआ 1,500, माइनस किया जाएगा। गुडविल रिटेन ऑफ लॉस है, प्लस करेंगे। यहाँ देखिए बुक वैल्यू ऑफ मशीन 12,000 था, बेचा आपको 10,000 में, तो यहाँ लॉस हुआ 2,000, तो लॉस को प्लस करेंगे। अगर एसेट्स बेचने में प्रॉफिट होता है गेन तो माइनस, और लॉस होता है तो प्लस। तो ऐसे करके बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिला जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या लॉसेस है, सबके अगल बगल में प्लस का साइन दे दिए। और दो गेन था, एक इंटरेस्ट रिसीव्ड और एक यहाँ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, माइनस करेंगे, रिजल्ट आपका आ जाएगा फंड फ्रॉम ऑपरेशन, यही बोला है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। ये रख दिए फॉर्मेट कंप्यूटेशन या स्टेटमेंट ऑफ फंड फ्रॉम ऑपरेशन। ये अपना स्टार्ट होगा नेट प्रॉफिट से। क्लोजिंग बैलेंस 75 है, ओपनिंग 60,000 है, तो आपका नेट प्रॉफिट 15,000 माना जाएगा। इसमें हम लोग ऐड करेंगे नॉन ऑपरेटिंग, या इसको फंड बोलते हैं, एक्सपेंसेस। ओके, अब यहां से जो ऐड वाला लिस्ट था उसको लाना है, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स अमाउंट था इसका 26,500। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 50,000। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 50,000। क्लियर। प्रेलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ 10,000। प्रेलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ 10,000। इंट्रीम डिविडेंड पेड 25,000। इंट्रीम डिविडेंड पेड 25,000। अच्छा, गुडविल रिटेन ऑफ 5,000। गुडविल रिटेन ऑफ 5,000। अब मशीन बेचने में लॉस हुआ है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 2,000 का लॉस हुआ है। तो एक बार चेक कर लेते हैं, डेप्रिसिएशन 26,500, ट्रांसफर टू रिजर्व 50,000, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटेन ऑफ 10,000, इंट्रीम डिविडेंड पेड 25,000। अच्छा, गुडविल रिटेन ऑफ 5,000 और लॉस आपका 2,000। अब इसको प्लस करके सेकेंड कॉलम में ले लेंगे, 26,500 इसको प्लस किए 118,500। ऊपर से प्लस कर देते हैं 133,500। अब यहां हमको लेस करना है नॉन ऑपरेटिंग या फंड इनकम।
इसमें दो आइटम है, एक है आपका इंटरेस्ट रिसीव्ड 7000, इंटरेस्ट रिसीव्ड 7000 है, और एक आइटम है फर्नीचर 6000 का 7.5 में बेचे थे, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 1500, ये 8500। ओके, ₹1,25,000 आ गया हम लोग का फंड फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, इसको बनाने का तरीका फिर से आप देख लो, एक बार नेट प्रॉफिट लेके बैठा दिए, सबसे पहले नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या लॉसेस जो भी नाम हो प्लस कर देंगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम और गेंस माइनस कर देंगे, आंसर फंड फ्रॉम ऑपरेशन। क्वेश्चन देख लीजिए, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस इनका डिफरेंस को ही नेट प्रॉफिट बोलते हैं। ये देखिए, डिप्रिसिएशन एड, ट्रांसफर टू रिजर्व एड, प्रिलिमिनरी एड, इंटरिम डिविडेंड एड, गुडविल रिटेन ऑफ एड, यहाँ पे लॉस हुआ 2008। ये देखिए, इंटरेस्ट रिसीव्ड माइनस, यहाँ प्रॉफिट हुआ 1500 माइनस, देन आंसर फंड फ्रॉम ऑपरेशन 1,25,000। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको जरूर से जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।